Hi all. So I'll begin with what is the soul anatomy? ठीक है, this is divine. Now there are multiple energy souls that are called monad. Monad is the basic unit of a soul energy that was the main that was at the top of the hierarchy before the soul was splitted. Soul split होने के पहले जो basic energy unit था उसको हम monad group बोलते हैं, monad soul energy. ठीक है, now each monad splits into different higher self, okay, and each higher self is then split into male female. तो इस मेल सोल और फीमेल सोल को हम बोलते हैं ट्विन्स. एंड द ग्रुप ऑफ मेल फीमेल सोल्स दैट आर ब्रांचिंग फ्रॉम वन मोनैड उनको सोलमेट बोलते हैं या सोल ग्रुप बोलते हैं. ठीक है, सो लाइकवाइज दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ योर सोलमेट्स, दिस इज़ अनदर ग्रुप ऑफ योर सोलमेट्स और सोल ग्रुप्स, एंड दीज आर ट्विन फ्लेम्स अंडर ईच मोनैडिक हायरार्की. सो देर आर एज सच मल्टीपल मोनैडिक हायरार्कीज दैट ब्रांच आउट फ्रॉम आवर डिवाइन, फ्रॉम आवर सोर्स. ओके, सो दिस इज़ दी सोल एनाटॉमी. द बेसिक वॉज नेसेसरी बिकॉज द टॉपिक दैट आई एम मूविंग इन विल रिक्वायर अ लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉट आर सोलमेट्स एंड वॉट आर ट्विन फ्लेम्स एंड हाउ दे वर क्रिएटेड. ऑल राइट, नाउ वेन मदर अर्थ वॉज क्रिएटेड, ओके, इट वॉज सपोज टू बी अ फेमिनाइन प्लैनेट. मदर अर्थ, दैट इज़ नॉट फादर अर्थ, मदर अर्थ. इट वॉज सपोज टू बी अ फेमिनाइन गवर्न्ड प्लैनेट. वेन आई से फेमिनाइन गवर्न्ड प्लैनेट, ये कोई जेंडर से रिलेट नहीं करता है दैट इट इज़ अबाउट अ फेमिनाइन जेंडर और अ मैस्कुलाइन जेंडर. इट वॉज सपोज टू बी अ फेमिनाइन एनर्जी गवर्न्ड प्लैनेट. ठीक है, एंड ओरिजिनली मदर अर्थ को एक वाइब्रेशन दिया था वेन दिस प्लैनेट वॉज क्रिएटेड और इस पर ह्यूमैनिटी ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट करना था. इट वॉज सपोज टू बी अ फिफ्थ डिमेंशनल प्लैनेट. ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन दिस टर्म, वॉट इज फेमिनाइन गवर्न्ड. ठीक है, सो एनर्जीज आर ऑफ टू टाइप्स, फेमिनाइन एनर्जीज एंड मैस्कुलाइन एनर्जीज. फेमिनाइन स्टैंड्स फॉर फीलिंग्स एंड मैस्कुलाइन स्टैंड्स फॉर एक्शन. ऑल राइट, सो फेमिनाइन एनर्जीज आर लाइक हैप्पी, जॉय, लव, पीस, केयर. दीज आर फेमिनाइन एनर्जीज. मैस्कुलाइन एनर्जीज इज एक्शन, करेज, डिसीजन, डिटर्मिनेशन एंड मैनी अदर्स. ओके, सो बेसिकली फेमिनाइन गवर्न्ड इज, इट वॉज सपोज टू बी गवर्न्ड बाय दी फीलिंग्स, दैट इज वाई इट वॉज फेमिनाइन गवर्न्ड. सो इनिशियली वेन दी प्लैनेट वॉज क्रिएटेड, the beings here, the beings of this planet, the humans of this planet were, they had certain emotions in them. They were happy, they had joy, they had love, peace, caring. ये उनके अंदर already था. ठीक है, and whatever your actions or behavior are is reflected by the feelings that are already within you. Okay, so since people were happy, their actions reflected happiness. उनके actions में love था, उनके actions peaceful थे. ठीक है, और इस तरह से सारे लोगों में ये सारे अच्छे फिफ्थ डिमेंशनल इमोशंस थे और उनके एक्शंस में भी वही रिफ्लेक्ट होता था जब वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते थे. एंड दे वर को क्रिएटिंग अ सोसाइटी, अ सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन दीज इमोशंस. नाउ एज पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इफ़ यू आर हैप्पी, इफ़ यू आर इन सेल्फ लव, यू विल ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हैप्पीनेस, जॉय, अबंडेंस एंड लव टूवर्ड्स यू. ठीक है, दिस इज़ अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन. ओके, सो सेम थिंग्स यूल अट्रैक्ट वॉट एवर यू आर हैप्पी, दैट इज वाई हैप्पीनेस, मोर हैप्पीनेस इज कमिंग टू यू. यू आर हैप्पी, दैट इज वाई योर एक्शंस आर रिफ्लेक्टिंग हैप्पीनेस. ओके, सो फेमिनाइन गवर्न्ड इज, आप फेमिनाइन टू मैस्कुलाइन एनर्जी फ्लो हो रही है, लाइक फीलिंग्स पहले हम फील कर रहे हैं एंड देन इट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन एक्शंस. ओके, सो रिमेंबर फीलिंग्स इज फेमिनाइन एंड एक्शंस इज मैस्कुलाइन. सो हमारे एक्शन इज डिपेंडेंट ऑन फीलिंग्स. सो द मैस्कुलाइन एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन द फेमिनाइन एनर्जी. दिस डज नॉट रिलेट टू अ जेंडर. ओके, दिस आर जस्ट एनर्जीज. उल्टा नहीं हो रहा है कि वी आर हॉलो, हमारे पास ये सब कुछ नहीं है एंड वी आर वेटिंग कि बाहर से हैप्पीनेस हमारे अंदर आ जाए. ठीक है, बाहर से हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, बाहर कुछ ऐसा एक्शन हो जाए, कुछ हमें मिल जाए, कुछ अवार्ड मिल जाए जिससे हम सेटिस्फाई हों. अगर हमारी फीलिंग्स एक्शन, एक्सटर्नल एक्शंस पे बेस्ड होने लगेगी तो एनर्जी का फ्लो रिवर्स हो जाएगा, दैट इज़ मैस्कुलाइन टू फेमिनाइन स्टार्ट हो जाएगा, विच इज़ नॉट करेक्ट, विच इज़ नॉट हाउ दिस प्लैनेट वॉज सपोज टू वर्क. ओके,
Initially, yeah, so this was the situation initially, that the actions were based on the feelings. Now, they were all twin flames on the planet. For the twin flames, feminine already had self-love. She was in self-love. So she did not seek love or happiness outside, because she was love. वो अपने अंदर love feel करती थी. That is why her masculine was automatically attracted to her. She was within, so the masculine was attracted to the love energy. Okay, this is mirroring. This is how the mirroring take, and the twin flame, feminine and masculine, were always together. Then what happened was, there was a drastic change in energy. So initially the civilization was very beautiful. People had fifth dimensional vibrations and energies, and they co-created their society, their realities based on those energies. The actions were based on feelings. Now what happened is that there started a very drastic change in energy. Okay, as you would know how, but different energies were infused to us, which was the three dimensional energies. Our DNAs were changed, and what are these energies that start were infused to us? Okay, you can call it as an energetic attack happened during the age of Atlantis civilization. What I know, Atlantis, Lemurian civilization, ye sare kafi purane civilizations hai, and they were very beautiful and created based on the fifth dimensional emotions and feelings. Theek hai, so these external energies started getting infused to us by some you can call it as energy entities or whatever you would want to understand. But then these energies started getting infused to us, which were anger, lust, greed and desire. These energies had no place initially in our fifth dimensional planet. Okay, and our DNAs were hijacked. All right, so ये सारी energies आपने भी आपकी journey में feel की होगी, that how these energies are infused. Like बहुत बार होता है that you are sitting peacefully, कोई situation भी नहीं है, कोई person भी नहीं है जिस पे आपको गुस्सा आए, and अचानक there is a gush of, you know, जैसे एक wave आई है, anger wave is pushed into you, and suddenly you start feeling anger, and then आप उसके accordingly behave भी करना start कर देते हैं. Okay, so ये push हम सब ने शायद इस type के energies के हमारी journey में एक्सपीरियंस अभी तक किया है, दैट वी आर सिटिंग पीसफुली एंड सडनली यू नो समबडी विल कम एंड पुश सम सेक्सुअल एनर्जी और एंगर एनर्जी या फिर सैडनेस का एनर्जी पुश कर देंगे हमारे ऊपर, एंड विदाउट एनी रीजन विल स्टार्ट क्राइंग और एक्टिंग इन एंगर. ओके, सो सिंस दीज एनर्जीज गॉट इंड्यूस्ड इन टू अस, हमारे बिहेवियर भी, ओके, आवर बिहेवियर ऑल्सो स्टार्टेड reflecting these energies, and since we were filled with these energies, automatically ye hamari taraf attract bhi hone lage. These are just some example of negative energies that I gave, and then the entire energetic vibration of all the human beings got polluted, and we started co-creating our society based on these energies. Okay, now what happened is that with these energies, the feminine also became hollow. She did not have any self-love. Okay, unme self-love nahi tha. So she started seeking love outside. Wo bahar pyar dhoondne lagi. And since she is seeking something outside, her masculine will also seek something outside. This is how mirroring works. If she looks within herself, the masculine will look towards her. Okay, if she is chasing him or anybody, or if she is chasing love, the masculine will start chasing outside of her feminine. Okay, he'll start chasing something that is outside of her feminine. Theek hai, so unke masculine twin bhi bahar cheeze dekhne lage. This is how the mirroring happened, and then the twin flames got separated. And in future generations, हमारे vibrations, ये जो co-created society है based on the third dimension and even lower energies, पूरा corrupt society होने लगा. We started creating lot of bad karmas. उसी karma में हम उलझते रहे, वो pain, suffering, birth, rebirth का cycle चलता रहा. Twin flames तो इतने ज़्यादा distort हो गए थे कि वो अपने partners और उनके vibrations को birth after birth पहचानना ही बंद कर दिए थे. So we were separated for years and years, and it is kind of what should I say, not a good thing for our soul, that our soul was made to be with other masculines and our masculines were with other feminines. This entire dynamics got corrupted. That was supposed to be our 5D world. Now the things started getting
वर्स फ्रॉम बैड डे बाय डे जनरेशन बाय जनरेशन हमारा सोसाइटी का डाउनफॉल धीरे धीरे करके आने लगा. एंड देन टू प्रिवेंट दैट ड्यूरिंग अराउंड लाइक 2000 ईयर्स बिफोर फ्रॉम नाउ 144,000 ट्विन सोल्स एंड लाइट वर्कर्स वर सील्ड हु वर सपोज टू बी अवेकंड एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड ब्रिंग द सेल्वेशन. सेल्वेशन इज फ्रीडम. आपको उतने सारे नेगेटिव एनर्जी से फ्रीडम लेके आएंगे एंड देवर सपोज टू बी रिस्टोरिंग दी अर्थ फ्रीक्वेंसी टू फिफ्थ डायमेंशन. बट वॉट हैपन्ड इज दैट वेन ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब न्यूक्लियर वेपन्स यूज करना चालू हुआ देन इट कॉट द अटेंशन ऑफ द गैलेक्टिक फेडरेशन दैट अभी ह्यूमन्स में इतने करप्ट हो गए हैं उन लोग इस लेवल तक आ चुके हैं कि वो अपना ही सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय करने के वेपन्स बनाने लगे हैं. एंड देन देवर मोर ट्विन फ्लेम्स हु स्टार्टेड री इनकारनेटिंग ऑन अर्थ एंड देन मोर लाइट वर्कर्स स्टार्टेड कमिंग ऑन अर्थ और एक मैसिव अवेकनिंग स्टार्ट हुआ. नाउ वेन ट्विन फ्लेम्स यूनाइट ओके देयर वाइब्रेट हम यूनाइट कब कर पाते हैं हमारे डीएम के साथ वेन वी हैव रीच्ड when we have healed ourselves from the lower energies जब हमारा healing cycle complete हो जाता है and we are in higher vibrations we reach inner union same energies are mirrored to the masculine slowly उनका awakening process start होता है and then in their journey when they proceed even they start reaching the higher vibrations okay so when twin flames unite that is the stage जब आपका vibration highest रहता है you drop all the lower vibrations during your healing journey like anger greed, lust, desires, manipulation, neediness, and you reach a stage of unconditional love, self-love, which is at the highest vibrations of the vibration chart. Okay, those are very high vibration energies of joy, acceptance, peace, forgiveness. They are very high vibration energies. So with your healing journey, aap bahut high vibrations ko anchor kar lete hain. And likewise, after your twin's awakening is completed, even he will also anchor into the high vibration. So the plan is that when twin flames unite, so all the twin flames are very, especially the 144,000 and even more twins and light workers now are very strategically placed. ऑन द प्लैनेट अर्थ उन सबका लोकेशन उनकी बर्थ साइकिल्स इस तरह प्लान की हैं कि वो अर्थ के सारे कोऑर्डिनेट्स कवर करें दे आर एट अ प्री डिटरमाइंड प्लेस ऑन द प्लैनेट ओके सो वंस दे यूनाइट एंड दे आर हाई इन वाइब्रेशन सपोज दिस इज अ ट्विन पर्सन और अ ट्विन कपल दिस इज अनदर ट्विन फ्लेम सो वेन देयर एनर्जीज आर एट द हाइएस्ट वाइब्रेशन दे स्टार्ट फॉर्मिंग एन एनर्जी ग्रिड एंड हाई वाइब्रेशन एनर्जी ग्रिड आपकी बॉडी यू कैन से becomes a pillar of light or a beam of light which is constantly emitting the high vibrations okay so a grid is formed okay through your vibrations and through your actions you will start propagating these vibrations in this entire space in this entire area and likewise when all of the twin flames on the planet awakens the grid will complete and the fifth dimensional energies will be anchored on the planet when the entire grid completes okay but what is happening now is hamare vibrations high ho rahe hain hum union mein aa rahe hain hum race to kar rahe hain vibrations but the lower energies jo hame attack karti hai bar bar aake wo if you are in high vibration agar aapko ek low energy ne attack kar diya and aapko wapas gussa aa gaya you're again in desire you're again in the energy of sadness to ye grid complete nahi ho payega you will again drop it once you are in low vibration aap wo low vibration propagate bhi karoge because twin flames hold very high or how do I say unki body is very high carriers of energy they propagate energies in their surroundings okay so if you drop your vibrations with negative energies you will start propagating it around you and the grid breaks फिर फॉर द टाइमिंग ग्रिड ब्रेक हुआ फिर बाय द टाइम यू रिकवर आपने ऑलरेडी दूसरों पे भी गुस्सा करना शुरू कर दिया अगर आप दूसरों पे गुस्सा करोगे वो किसी और पे गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन का एनर्जी पास ऑन करेंगे सो जो हम एक पीसफुल ग्रिड हाई वाइब्रेशनल ग्रिड एनर्जी ग्रिड फॉर्म कर रहे थे वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है एंड दिस इज हाउ द एंटायर प्लान स्टार्ट्स फेलिंग देन आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम वी अगेन रियलाइज that no we were the victims of lower energy और हम हमारा grid वापस से activate करना चालू करते हैं तो हम activate करते हैं वो लोग आके बार बार grid तोड़ते हैं we activate and then they come and break by infusing these energies between us so as twin flames we could have
multiple soul purpose, soul missions to go and help people out there. But the biggest and main mission, no matter you are in union or on your journey to union, is to hold your vibrations high. ठीक है, for which Merkaba is forming your Merkaba is very very important. Forming your protection circle is very very important. And with my experience also, I understand कि कभी कभी energies बहुत heavy रहती हैं कि we tend to react. बट नोइंग दिस फैक्ट कि उनका प्लान क्या है कि आपका एनर्जी ग्रिड कभी एक्टिवेट ही नहीं हो पाए, एक्टिवेट हो तो ये बार बार तोड़ते रहे, दिल कम एंड इन्फ्यूज दिस एनर्जीज, बट वी हैव टू कॉन्शियसली नॉट रिएक्ट टू दोज एनर्जीज. अंडरस्टैंड कि नहीं, ये हमारे ऊपर जानबूझ के हो रहा है, दिस इज आउट ऑफ अ प्लान टू ब्रेक अवर लाइट ग्रिड. सो हमें रिएक्ट नहीं करना है, वी डोंट हैव टू फॉल अ विक्टिम ऑफ द एनर्जीज दैट आर बींग पुश टू अस. ओके, एंड टिल द लास्ट ग्रिड इज फॉर्म्ड ऑन द प्लैनेट एंड दिस लास्ट बिट ऑफ नेगेटिव एनर्जी हु इज एग्जिस्टिंग देयर इज इरेज्ड बाय द फिफ्थ डायमेंशनल एनर्जी ग्रिड और फिफ्थ डायमेंशनल एनर्जी, अर्थ कंप्लीटली 5D कॉन्शियसनेस में नहीं आ पाएगा. ओके, सो मेक श्योर दैट वी स्टे कॉन्शियस ऑफ अवर एनर्जीज, अवर एनर्जी ग्रिड्स एंड होल्ड द बीम विथ हायर फ्रीक्वेंसीज. होल्ड, ऑलवेज कीप अवर बॉडीज इन हायर फ्रीक्वेंसीज, ऑलवेज कीप योर मरकाबा एक्टिवेटेड, कीप योर सेल्फ प्रोटेक्टेड. ओके,